या गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा चैनल कैप्टन सपन मिस्टर चैनल को आपका स्वागत। बीच बीच में मैं आपको रिमाइंड करता रहता हूँ कि सब्सक्राइब बटन को दबाइए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाइक भी कीजिए, और मेरा वीडियो में कुछ खराबी है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट भी मुझे मेरा पास बहुत आता है, और तो भी कमेंट में रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छे कमेंट भी आते हैं, बुरे कमेंट भी आते हैं। बुरे कमेंट आना भी अच्छा है, जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड बोला कि जो पिछला वीडियो मैंने कोविड का पर बनाया था, एक्चुअली कंक्लूजन, उसमें 20 मिनट टाइम ले गया। छोटा छोटा वीडियो बनाने से क्या ना, लोगों के पास टाइम रहता है देखने के लिए, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं और ये कर लेते हैं। ठीक है, उनकी भी सजेशन मैं लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरा टॉपिक जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करके ब्रेक ब्रेक करके ख़त्म करूँगा। ये सजेशन मेरा पास काफ़ी आ चुका है, लेकिन क्या है, जोश जोश में बोलने का टाइम मैं बोल देता हूँ। धन्यवाद। और जो कमेंट, अभी भी जो कमेंट है, जो 1 महीना पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं, एक्चुअली जो बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस एंड ड्रग रैकेट वगैरह, उसका ऊपर भी अभी भी कमेंट आ रहा है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, और धन्यवाद आप लोग देख रहे हैं। बाकी कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, एक्चुअली लोग बोल रहे हैं कि आप डिफेंस बैकग्राउंड से है, ओनली डिफेंस, जैसे इंडो चाइना का उन्होंने बनाया था, प्राइवेट पार्टिसिपेशन में डिफेंस का बनाया था, उन्होंने बोल रहे हैं कि आप यू नो डिफेंस का पर स्टिक रही है, डिफेंस का आदमी है, डिफेंस का स्टिक रही है, क्योंकि आपका वो वीडियो जो है ना, बहुत लोग हम लोग पसंद करते हैं। ऐसा नहीं होता है एक्चुअली, मैं ज़्यादातर मैं एजुकेशन का ऊपर ज़्यादा जाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, डिफेंस में था, IPKF में पार्टिसिपेट किया था, IN-SU-31 एक जहाज था, कैप्टन प्रकाश थे उनका कमांडिंग अफसर, और 102nd इन कमांड, और ट्रिंकमवली कलम्बो एरिया में पेट्रोलिंग करते थे, बहुत काम किया था हमने, हालांकि काम किया था। तो डिफेंस का भी इंटरेस्ट है, इसलिए मैं डिफेंस का पर ज़्यादा घुसता रहता हूँ, डाटा कलेक्ट करता हूँ और आपका सामने पेश करता हूँ। लेकिन मैं जो सोशल बैकग्राउंड है ना, एजुकेशन जो है, मेरा पिताजी, मैंने बोला था, मेरा पिताजी माताजी एक प्राइमरी टीचर थे, एक्चुअली जो शिक्षा जो है ना, बचपन में शिक्षा जो लोग बहुत डेडिकेटेड थे, मेरा जो बचपन गुजरा है, मैंने अच्छे अच्छे टीचर पाया है, उन्होंने एक्चुअली नो एजुकेशन का पर इतना ये किया है, मैं उनको नमन करता हूँ, अभी भी नमन करता हूँ। तो इसलिए एजुकेशन का ऊपर मेरा तो थोड़ा सा रहेगा, मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा और बड़ा कॉर्नर रहेगा। दूसरी बात, ये लोग बोलेंगे आप सोशल का पर कर रहे हैं, आप मिलिट्री का पर नहीं कर रहे हैं वीडियो। देखिए, मेरा बचपन इतना अच्छा नहीं बीता एक्चुअली, हम बहुत गरीबी से ऊपर आए हैं एक्चुअली, आज जब पोजिशन में बैठा हूँ बहुत गरीबी से बैठा हूँ, और आप लोग भी बहुत लोग गरीबी से आके यहाँ पर पहुँचे हैं एक्चुअली, मेहनत करके, कोशिश करके, भगवान आपको दिमाग दिया है, काम किए हैं, आके पहुँचे हैं। तो इसलिए सोशल जो चीज़ है ना, उसको भी मैं भूल नहीं चलता, इसलिए मेरा वीडियो जो है, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कंसंट्रेटिंग नहीं कर सकता एक्चुअली, डिफेंस में करूँगा, सोशल में करूँगा, एजुकेशन में करूँगा, पॉलिटिकल वीडियो नहीं करूँगा, ये है। तो लास्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमने बात किया था कोविड का, पर जो कोविड का जन्म स्थल है वान शहर, क्या है, वान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ से कैसे कैसे वो बैट का ऊपर, हालांकि ठंडी का मौसम था, नवंबर में बैट नहीं होता है एक्चुअली वान में, उन्होंने जो बोला बोला है, उनका पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ, तो लकीली सम केयरलेसनेस ऑफ ए सम स्टाफ एंड यू नो विदाउट फॉलोइंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, वो उसको इन्फेक्ट हो गया,
वो उसको पता नहीं है, वो आया वहाँ सी फूड मार्केट में कुछ खरीदा, वो करके टोटली स्प्रेड हो गया उसको। चाइना ने 2-3 महीने तक छुपाया, WHO उनको साथ दिया ना। उसके बाद बाय द टाइम, अगर उस टाइम पर छुपा नहीं रहता, अगर डिक्लेयर कर देता तो हम लोग नवंबर से थोड़ा बहुत कसरत होके हम कोशिश करते थे उसको बंद करने के लिए, लेकिन चाइना ने ये गलती किया। WHO उसका साथ में, अभी वर्ल्ड बॉडी उसका डिसाइड करेंगे। ये WHO का तो डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया, उसका सैंक्शन वगैरह जो पैसा दे रहा था बंद कर दिया। तो ये है, और चाइना ये करके काफ़ी कोशिश कर रहा था, PPE किट वगैरह बेचेगा, मास्क वगैरह बेचेगा, करके कुछ पैसा इनकम करेगा, कुछ पैसा ले ले, इडली बिडली चटनी में से ले लिया, लेकिन वो जो दिया सब डिफेक्टिव दिया, तो बाकी ऑर्डर कैंसिल हो गया, बांग्लादेश कैंसिल कर दिया। अभी चाइना भी बोला कि मैं वैक्सीन बना दिया, वो अपनी अपना वैक्सीन खुद को दे रहा है, बाकी कोई दुनिया नहीं ले रहा है, क्योंकि चाइना हमेशा डुप्लीकेट देता है, पैसा इनकम करना चाहता है। तो हाँ, ये कल का जो वीडियो का कंक्लूड किया था, लेकिन थोड़ा ऐड कर दिया मैंने। आज हम टॉपिक लेंगे जो 2+2 हमारा जो अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ है उसका बनने, इंटरनेशनल न्यूज थोड़ा सा कोशिश करेंगे। फ्रांस का ऊपर क्या हो रहा है, फ्रांस में अभी 15 दिन से गदर चल रहा है, आप लोग जानते होंगे। एंड फ्रांस प्रेसिडेंट हैज टेकन अ वेरी स्ट्रांग स्टेप एक्चुअली टुडे, यस्टरडे ही टोल्ड वेरी क्लियरली दैट द पाकिस्तान एंड बांग्लादेशी पीपल आर टोटली प्रोहिबिटेड टू एंटर फ्रांस। हुआ ये एक मैगजीन था एक्चुअली, मैगजीन का नाम है चार्ली बेटो बोल के, 2015 में उसमें एक प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून किसी ने प्रिंट कर दिया था, नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसमें तो कुछ मुस्लिम जो रेडिकलिस्ट वो उसको जला दिए थे, और उसका काफ़ी पकड़ा पकड़ी हुआ था उसको। तो वही कार्टून को एक फ्रांस का एक टीचर ने एक्चुअली किसी स्टूडियो किसी क्लास में दिखा दिया, उसका बारे चेचनिया जो है ना, चेचनिया का एक जो बच्चा है, लड़का है, जो रेडिकलिक मुस्लिम है, उतना गुस्सा आ गया कि हमारा प्रॉफेट मोहम्मद को कार्टून बना दिया। ऐसे भी वो कार्टून है एक्चुअली, प्रॉफेट मोहम्मद कार्टून ही है, बना दिया। तो उसने जाके उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि वो इस्लाम में लिखा हुआ ना, सर कलम करो, लिखा हुआ कलम कर दिया। चेचना का लड़का पकड़ा गया, मारा गया। उसके बाद फ्रांस में बहुत सारी ये हो रहा है, फ्रांस में अराउंड 50 लाख करीब मुस्लिम है। तो अभी फ्रांस गवर्नमेंट डिसाइड किया कि कोई मुस्लिम मुस्लिम अभी इमिग्रेशन तो बंद ही है, कोई देना नहीं है, जिसे चाइना कर रहा है उजीर मुस्लिम, फ्रांस अभी बहुत स्ट्रांग स्टेप ले रहा है। हालांकि फ्रांस बोल रहा है कि हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इसमें ये है, लेकिन बहुत स्ट्रांग स्टेप ले रहा है एक्चुअली। उन्होंने क्लियर किया है, मैक्रॉन का जो प्रेसिडेंट है, यंग प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला कि वी डोंट बिलीव एनी हेटेड टुवर्ड्स एनी रिलीजन, बट अगेन वायलेंस टेररिज्म अगेंस्ट रिलीजन विल नॉट बी टॉलरेटेड। ये उन्होंने सपोर्ट किया, तो इंडिया उसको सपोर्ट किया, पहले पहला कंट्री इंडिया सपोर्ट किया। दूसरे बात रशिया सपोर्ट किया, अगर रशिया भी चेचनिया में फाइट कर रहे हैं, ये ओनली इस्लामिक टेररिज्म को कंट्रोल कर रहे चेचनिया में, वो रशिया भी फाइट कर रहे हैं, रशिया सपोर्ट किया। अभी आज का न्यूज है जो इस्लाम OIC जो ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक इस्लामिक कंट्री जनरल, वो भी उनको सपोर्ट किए, यस इस्लामिक टेररिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। बाद में बहुत सारे प्रदर्शन हुआ, तुनिसिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, काफ़ी जगह पर हुआ है। तो उन्होंने फ्रेंच गुड्स को बाइकॉट करना शुरू कर दिए,
उसमें फ्रांस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए ये छोटे मोटे कंट्री हैं, इनको कोई मतलब नहीं फ्रांस का कोई। मैं फ्रांस का जो एक्सपोर्ट है मैं जानता हूँ क्या है, कॉस्मेटिक्स, लिकर एंड एमिनेशंस। ठीक है, फ्रांस का कॉस्मेटिक चलेगा, लिकर भी चलेगा, इन ऑल ऑफ द वर्ल्ड में फ्रांस का लिकर सबसे बेस्ट है, वो चलेगा। हम भी जब थोड़ा बहुत पैसा जेब में आता है हम भी फ्रांस का लेकर लेके कैसे ना कैसे एक मजा लेने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये फ्रांस का सिचुएशन है। फ्रांस इज वेरी टेकिंग ए वेरी स्ट्रांग स्टैंड एक्चुअली। उसका एग्रीमेंट में टर्की है, टर्की को नाटो का मेंबर है लेकिन टर्की को कोई पूछता नहीं एक्चुअली, क्योंकि वो बहुत सारे लीबिया में सीरिया में ऐसे बहुत लफड़ा कर चुका है। उसका एग्रीमेंट सब लोग है, वो सोचता है हम खलीफा करेंगे ऑटोमन एम्पायर को हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इंटरनेशनल न्यूज है। अभी हम आते हैं हमारे जो नेशनल न्यूज का ऊपर, लेकिन 11 मिनट का वीडियो हो गया है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कुछ निकलने के। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अपना इंडियन आर्मी जो है कुछ साल पहले जब कुछ महीने पहले जब हमारा काफ़ी डाटा का लीक हो रहा था, मतलब अपना यू नो फौजी पकड़े जाते, फोटो उठा के पाकिस्तान को भेजते थे, मैप भेजते थे, पकड़े जाते, इसलिए उन्होंने क्या कि जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह मतलब ऑपरेशनल एरिया में बैन कर दिया थे। तो बैन करने से क्या था, 2000 बंदे गड़बड़ करते थे और बैन सबका पर लगता था। तो इसलिए जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह में जो हमारा फैमिली मेम्बर था, हम कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे। आर्मी ने एक ऐप किया है, हमारा एक मैं बताता हूँ, हमारा मिलिट्री सेटेलाइट 3 मिलिट्री सेटेलाइट है, हमारे पास 3 मिलिट्री सेटेलाइट है, चाइना के पास 5 है, अमेरिका के पास 150 है। ठीक है, ये मैं अगले टॉपिक में आऊँगा, क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको हिट दे रहा हूँ। तो हमारा मिलिट्री सेटेलाइट में एंड टू एंड इंटरप्रेट डाटा करके एक प्रोग्राम लोड किया गया है, एक नया व्हाट्सएप लॉन्च किया गया है। उसमें क्या है कि हमारा आर्मी जवान, हमारा आर्मी भाई लोग जो है वो व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, और नेवी और एयरफोर्स वो भी अपने अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनका भी लॉन्च हो जाएगा, जो कि अपना आर्मी सेटेलाइट में मिलिट्री सेटेलाइट से वो कनेक्ट हो जाएगा। तो ये है, 13 मिनट हो गया, मैं बंद करके फिर एक दूसरा वीडियो भी बनाते हुआ, क्योंकि मेरा टॉपिक जो है अपना जो 2+2 अपना डोनाल्ड ट्रंप का जो आखिरी डील, ये टेन्योर का जो हम साइन किए हुए हैं, उसके बाद 3-4 तारीख को उनका इलेक्शन है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। कुछ स्टेट में जो बिडेन आगे है, कुछ स्टेट में सब लोग इंडियन ओरिजिन का जो है, अमेरिका में इंडिया का लोग भी बसे हुए हैं, चाइना के लोग, चाइना का तो एक चाइना टाउन है एक्चुअली, बहुत सारी चाइना के लोग बसे हुए हैं। और अभी जो बिडेन का जो चाल है वो अपना इंडियन ओरिजिन कमला हैरिस को अपना चीफ एडवाइजर बना लिए हैं। हो सकता है क्या लगा, जो बिडेन जीत जाए तो डिफेंस सेक्रेटरी और या फाइनेंस सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो उन्होंने इंडियन का जो पॉपुलेशन कैचमेंट एरिया है उनको कैच करके कर रहे हैं। इधर जो बिडेन जाके चाइना टाउन में बोल रहे हैं कि ट्रंप ने जो लगाया सैंक्शन वगैरह चाइना के ऊपर, जो टिकटॉक बैन कर दिया, हुआई बैन कर दिया, वो सब हम हटा लेंगे और कुछ ये कर देंगे, तो चाइना के वोटर का भी वो पकड़ में, चाइना के काफ़ी वोटर्स है थोड़ी अमेरिका में, और पाकिस्तानी वोटर वो तो ट्रंप को साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान के भी वोटर है, देखते हैं क्या होता है इंडिया के लिए। अगर हालांकि ट्रंप 2-3 चीज़ बहुत बुरा किया एक्चुअली, में अगली वीडियो में बताऊंगा एक्चुअली, लेकिन आफ्टर ऑल एक्चुअली ट्रंप इज फेवरेबल टू अस एक्चुअली, ई शुड कम एक्चुअली, लेकिन जनरली ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली।
और जो बिडेन आने के बाद मोदी उनको कैसे टैकल, अगर जो बिडेन आ गया तो मोदी उसको कैसे टैकल करेगा वो पता नहीं एक्चुअली। इट इज़ ए वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये चाइना भी वेट कर रहा है कि जैसे पॉलिसी चेंज होगा उसके बाद उसका लद्दाख और जो अरुणाचल प्रदेश का जो पॉलिसी वो अकॉर्डिंगली चेंज करेगा। बिडेन आ गया तो इंडिया का क्या होगा क्या नहीं होगा चेंज करेगा। सो अभी स्टैंड स्टिल टिल अमेरिकन इलेक्शन इज ओवर एंड देन गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगा। अगर ट्रंप आ गया तो सेम पॉपियो पर रहेंगे, अगर चेंज चेंज हो गया पता नहीं क्या होगा उसके बाद ही जाके कुछ होगा। तो लद्दाख में अभी स्टैंड स्टिल है, कुछ होने वाला नहीं है, टिल मार्च तक आराम से ऐसे ही चलेगा। तो ये कह के मेरा वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। जय श्री राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।